उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े, ये भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपदा के समय तुरंत समाधान करना हमारे लिए बेहद जरूरी है, इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। इस बीच ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि सीएम के साथ बहुत कार्यकर्ता थे, जिससे वे आपदा पीड़ितों से नहीं मिल पाए। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। खाना पीना छोड़ो, हम रात को भी वही देख रहे हैं। हम ये पूरा मन में हमारे मोहल्ले में आना था, हम एक ही जगह पे खड़े हैं। हम हमारे बच्चे तो यहाँ रहने को मज और वो नहीं हो रखे, तैयार नहीं, बच्चे चले गए, भेज रखे हमने सुरक्षित जगह पे। नेता जी आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है, आगे किसी को आने ही नहीं दे रहे। जनता हवाई फायरिंग कर रही थी, ऊपर से करते हवाई जहाज देखते चले गए। आने की जरूरत क्या नहीं लोगों को? हम लोग यहाँ वाला बिल रोते बिल को छोड़ के चले गए, उनको बोला हमारे मोहल्ले में भी चले, भी देखे क्या क्या हाल है हमारे मोहल्ले। सबसे बात करिए और जो भी आपदा के जो प्रभावित लोग हैं, जो आपदा से ग्रसित हैं, उनके लिए हमारी सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से सारी व्यवस्थाओं को सुरक्षित करेगी।